नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि पराई स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए तथा पराई स्त्रियों को देखना शास्त्रों में महापाप बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो पराई स्त्रियों में रुचि लेता है तथा जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है उसका सर्वनाश तय है, उसे नर्क में घोर यातना और कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात श्री कल्याण कमल आश्रम हरिद्वार के स्वामी कमलानंद गिरी ने मंगलवार को श्री राम भवन में आयोजित कार्तिक महोत्सव के तहत श्रद्धालुओं के समक्ष प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कही। उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने कहा कि बाली ने भी अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नजर डाली थी तो उसका भी सर्वनाश हो गया था। उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य धन दौलत पाने की चाह में भागदौड़ में लगा हुआ है, उसके पास प्रभु की भक्ति के लिए समय नहीं बचा है, मगर वह यह भूल गया है कि यह मानव तन प्रभु की भक्ति के बगैर व्यर्थ है, क्योंकि धन दौलत देने वाले तो भगवान ही है। इसलिए परस्त्रियों से जितना हो सके दूर ही रहें और उनसे निकटता नहीं बढ़ाएं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पराई स्त्रियों को देखने में क्या बुराई है? ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं और आप इनसे दुनिया भर की चीजों को देख सकते हैं। फिर ऐसा क्या है कि पराई स्त्रियों को देखने से आंखों को रोका जाए और कहा जाए कि इन्हें मत देखो, पाप लग जाएगा? वास्तव में पराई स्त्रियों को देखने में बुराई कुछ नहीं है, आप उन्हें देख सकते हैं और इसमें आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। असल में इसे पाप कहने का कारण कुछ और ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि पराई स्त्रियों को माता, बहन और देवी के रूप में देखें तो कोई बुराई नहीं है, आप इस रूप में जितना चाहें उन्हें देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार हम अपने मन और भावनाओं की लहर में इस तरह बहने लगते हैं कि काम भावना हावी होने लगता है, यानी दिक्कत देखने में नहीं भावनाओं में है। अगर आप अपनी भावनाओं और मन पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं तब तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कबीर दास जी ने कहा कि पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचै कोई, यानी पराई स्त्री पैनी छुरी के समान है जिससे शायद ही कोई बच पाता है, इसलिए इनसे दूर ही रहने में भलाई है। कबीर दास जी यह भी कहते हैं कि पराई स्त्रियों से संपर्क बढ़ने पर आप लाख बचे दुनिया को इसकी खबर हो जाती है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई लहसुन खाकर उसके गंध को छुपा नहीं सकता है, पर नारी का राचना जो लहसुन की खान, दुनिया को आपके परस्त्री संबंध के विषय में जैसे ही जानकारी होती है आपका मान सम्मान और आदर कम हो जाता है, लोग आपको अविश्वास की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परस्त्रियों को देखने तक से दूर रहना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।